वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम। आज के एक नए रिव्यू के एपिसोड में मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है जुबली। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर आपको प्यार, पॉलिटिक्स, नफरत, कंपटीशन सब देखने को मिलेगा। तो सीरीज का प्लॉट है हिंदी सिनेमा, वो भी इंडिपेंडेंट के पहले और बाद का। श्रीकांत रॉय एक थिएटर कंपनी का मालिक है जिसका नाम है रॉय टॉकीज, और उसको एक पोस्टर बॉय चाहिए जिसका नाम है मदन कुमार। टैलेंट को पहचानने में हमारे रॉय साहब की कमी नहीं है। रॉय साहब की लाइफ में इतने कुछ खास लोग नहीं है, सिर्फ उसकी वाइफ है सुमित्रा जो कि एक एक्ट्रेस है, और एक स्पॉट बॉय है जिसका नाम है विनोद दास। हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस टाइम पर एक थे, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ऐसे टाइम पर सिर्फ दो चीजें चलती थी एंटरटेनमेंट के लिए, और वो है सिनेमा और रेडियो। यहाँ पर साइड में कुछ और लोगों की भी कहानी चलती है, जैसे कि नीलोफर और अजय खन्ना। डायरेक्टर ने यहाँ पर छोटी से छोटी चीजें बताई है और हिंदी सिनेमा के डार्क सीक्रेट्स भी थोड़े बहुत बताने की कोशिश की है। अपार शक्ति खुराना जो कि हम लोगों को हमेशा साइड रोल में दिखे है, यहाँ पर आप लोगों को मेन रोल करते हुए नजर में आएंगे। और हाँ, उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी कमाल की है। हालांकि सीरीज थोड़ी स्लो है और स्ट्रेच्ड भी है। यहाँ पर सिर्फ 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड करीब 1 घंटे का है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग सिनेमा के पीछे क्या होता है उसे जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये सीरीज बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हाँ, इस सीरीज में गालियां भी है और थोड़े बहुत ऐसे सीन्स भी है जो परिवारजनों के सामने नहीं दिखाए जा सकते, तो ये सीरीज संभाल कर देखेगा। बाकी यार आप लोगों की मर्जी। तो चलो यार, रही था मेरा आज का रिव्यू जुबली सीरीज के ऊपर जो कि अमेजन प्राइम पर नई नई आई है। तो क्या आप ये सीरीज देखेंगे या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।